वैशाली परेशान और थकी हुई घर पहुंचती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो देखती है टेबल पर बहुत सा खाना रखा हुआ है। उसमें नए नए किस्म के पकवान, मिठाई और बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेज रखी हुई थी। वैशाली का मूड उन सब डिशेज को देखकर काफी अच्छा हो गया था। उसने मन ही मन कहा, माँ भी ना पता नहीं कैसे पर उनको पता चल जाता है कि मेरा मूड खराब है। वो मुस्कुराई और फिर उसने जल्दी से अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ माँ। उसकी माँ तो बाहर नहीं आई, लेकिन उसकी चाची मैना अपने हाथ में खीर का एक कटोरा लेकर बाहर आ गई। उन्होंने वैशाली से बड़े प्यार से कहा, आ गई बेटी, आओ यहाँ आओ, मैंने आज सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। वैशाली मैना की बात सुनकर दंग रह गई। उसने मन ही मन कहा, क्या सच में इस कड़वी छुरी ने खाना बनाया, वो भी इतना सारा, और आज से पहले तो इन्होंने कभी मेरे साथ इतने प्यार से बात नहीं की। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि करेला एक दिन में खीर कैसे बन गया। उतने में ही निर्मला भी वहां जाती है। निर्मला ने बड़े प्यार से वैशाली से कहा, बेटा जल्दी से हाथ धो लो, तुम्हें भूख लगी होगी। वैशाली ने ज्यादा नहीं सोचा और वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने टेबल पर बैठ गई। वो खाना खा ही रही थी कि वहां रवि भी आ गया। वो भी खाना देखकर खुश हो गया और उसने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ आज कुछ खास दिन है क्या जो इतना कुछ बना हुआ है। मैं ना उसको बीच में ही टोकते हुए कहती है, ये खाना तुम्हारी माँ ने नहीं तुम्हारी चाची ने बनाया। निर्मला भी मैना की बात पर सहमत होते हुए कहती है, हाँ ये खाना तुम्हारी चाची जी ने ही बनाया है। रवि हैरान होकर कहता है, चाची जी क्या आपकी तबीयत ठीक है, कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया। प्लीज अगर ऐसा है तो डॉक्टर के पास जाएं, किचन में नहीं। मैना उसकी बात सुनकर आग बबूला हो गई थी, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वो अपने गुस्से वाले चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहती है, रवि बेटा तुम भी ना बड़े मजाकिया हो, चलो अब खाना खाओ और बताओ कि कैसा बना। मैं स्नेहा को बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई। मैना के वहां से चले जाने के बाद निर्मला ने रवि पर चिल्लाते हुए कहा, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे थे, क्या तुम बड़ों से बात करने की तहजीब भूल चुके हो, वो तुमसे बड़ी है इसीलिए तुम थोड़ा तहजीब से बात किया करो। रवि ने निर्मला की बात का जवाब शांतिपूर्वक दिया, माँ आप भी तो चाची से बड़ी हैं, तो इस लिहाज से तो उन्हें भी आपसे अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कभी भी आपसे अच्छे से बात नहीं की। रवि कुछ और भी बोलना चाहता था, लेकिन निर्मला ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, रवि अब आगे कुछ मत कहना। अपनी माँ की बात सुनने के बाद रवि को बुरा लगा, क्योंकि उसकी माँ कभी भी उसके दुष्ट चाचा चाची के असली चेहरे को जानने की कोशिश नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद जब सब लोग खाने की टेबल पर थे, रवि ने वैशाली के कान में फुसफुसाते हुए कहा, दीदी ज्यादा खाना मत खाना वरना एसिडिटी हो जाएगी। वैशाली उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसे पता नहीं क्यों अंदर से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। तभी मैना ने वैशाली से कहा, अरे बेटा तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। ये बात सच है कि मैं तुम्हारी माँ जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती, लेकिन मैंने जो भी बनाया है बहुत प्यार से बनाया। अब तो वैशाली को मैना की बात बिल्कुल हजम नहीं हुई और उसको खांसी आना स्टार्ट हो गई। वैशाली ने पानी लेने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि मैना ने झट से खड़े होकर उसको पानी का ग्लास पकड़ा दिया। वो उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोली, बेटा आराम से। वैशाली को उनकी प्यारी प्यारी बातें हजम नहीं हो रही थी। स्नेहा भी हैरान थी कि आखिर माँ के शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है। सूरज भी मैना को सवालिया नजरों से देख रहा था। सूरज ने फिर मन ही मन कहा, आखिर ये वैशाली कितनी केयर करके दिखाना क्या चाहती है। रवि जो कि वैशाली के बगल वाली चेयर पर बैठा था, उसके मुंह से लगभग खाना बाहर ही आ गया था। वो वैशाली और निर्मला के बीच बैठा हुआ था। वो निर्मला की तरफ झुका और उसने धीरे से उसके कान में कहा, माँ चाची ने कुछ गलत खा लिया है क्या। निर्मला ने रवि को आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया तो रवि चुप हो गया।
थोड़ी देर बाद अपना खाना खाने के बाद वैशाली जैसी चेयर से उठने को ही मैना ने वैशाली से बड़े प्यार से कहा, बेटा वैशाली रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वैशाली को उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, पर उसको अब समझ आ चुका था कि आखिर क्यों आज उसकी इतनी खातिरदारी हुई। बल्कि उसको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आखिर क्यों आज कड़वा करेला हलवे का काम कर रही थी। वैशाली ने मैना की तरफ देखते हुए कहा, कहिए चाची जी। उसकी चाची ने स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा, बेटा स्नेहा तुम्हारी बहन है, लेकिन आजकल इसके पास कोई काम नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम जिंदल्स की कंपनी में कोई अच्छी सी नौकरी इसके लिए देख लो, ये भी तुम्हारी तरह कहीं सेटल हो जाएगी। वैशाली, निर्मला और रवि तीनों मैना की बात सुनकर हैरान थे। रवि ने तुरंत मैना से कहा, ये दीदी की कोई पर्सनल कंपनी नहीं है जिसे वो चाहे मुंह उठाकर हायर कर ले। और वैसे भी अगर ये दीदी की पर्सनल कंपनी भी होती ना, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे किसी इंसान को हायर करना पसंद करती जिसका दिमाग ज्यादा काम ना करता हो। आखिरकार कंपनी को स्मार्ट एम्प्लॉय की जरूरत होती है। स्नेहा दीदी जैसे एम्प्लॉयज को हायर करके उन्होंने अपनी कंपनी थोड़ी ना डुबानी है, वो भी जिंदल्स जैसी बड़ी और कामयाब कंपनी को। रवि की बातें स्नेहा, उसकी माँ और उसके पापा को किसी तीर से कम नहीं लगी। स्नेहा चिल्लाते हुए रवि से कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो, रुको तुम। ये कहकर जैसी स्नेहा रवि की ओर उसको मारने के लिए आगे बढ़ी, वैशाली ने उसका हाथ हवा में थाम लिया और गुस्से से स्नेहा से कहा, सोचना भी मत। फिर वैशाली रवि की तरफ देखकर थोड़ा गुस्से से कहती है, अपने रूम में जाओ। रवि कुछ बोलना चाहता था, पर वैशाली ने उसे दोबारा से डांटते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने जो कहा। रवि भी बेमन से वहां से चला गया। वैशाली ने धीरे से स्नेहा का हाथ छोड़ा और मैना की तरफ मुंह घुमाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे भी पहले हैरानी हुई, लेकिन अब मुझे सब समझ आ चुका है। और बात रही स्नेहा की नौकरी की, तो मैं सिर्फ उस कंपनी में एक एम्प्लॉई हूँ। अगर स्नेहा को नौकरी की इतनी जरूरत है, तो वो अपनी काबिलियत से नौकरी करे, किसी की सिफारिश से नहीं। स्नेहा ने वैशाली की बात सुनकर गुस्से में कहा, तुम दो कौड़ी की लड़की मेरी काबिलियत पर शक कर रही हो? खुद तो तुमने उस जिंदल्स के बिस्तर पर पहुंचकर ये सब हासिल किया है। वैशाली ने अपनी उंगली स्नेहा को दिखाते हुए कहा, ये काम तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। मैंने जो भी किया है अपनी काबिलियत के दम पर किया है। वैशाली की बातें वहां बैठे उन तीनों को किसी तीर से कम नहीं लग रही थी। मैना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गुस्से से फटने वाली हो। अब मैना से और अच्छा बनने का नाटक नहीं हो रहा था। मैना ने फिर नफरत भरी नजरों से देखते हुए वैशाली से कहा, स्नेहा की बात तुम्हें बुरी क्यों लगी? और काबिलियत की बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती, जो खुद भी अपने बॉस के साथ सोकर कंपनी में जॉब कर रही है। मैना के ये शब्द बहुत गिरे हुए थे, जिससे निर्मला को गुस्सा आ गया। पहले स्नेहा और फिर मैना उसकी बेटी के चरित्र पर उंगली उठा रहे थे। इस बार निर्मला काफी गुस्से में बोली, मैना अब तुम हद पार कर रही हो। इतनी घटिया बात क्या तुम्हें शोभा देती है? मैं तो स्नेहा को अपनी बेटी समझती थी, लेकिन तुमने तो वैशाली को बेटी तो क्या एक लड़की भी नहीं समझा। उसके चरित्र पर भी घटिया इल्जाम लगा दिए, ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? निर्मला की इतना कहते सांस फूलने लगी थी। वैशाली ने जब ये देखा तो उसने अपनी माँ को जाकर थाम लिया, माँ क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? लेकिन मैना अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने फिर से बिना निर्मला की हालत पर ध्यान दिए कहना शुरू किया, तुम तीनों हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, लेकिन आंख भी हमें दिखाते हो। क्या तुम माँ बेटी को इतना भी एहसान नहीं? क्या तुम दोनों भूल गई कि आज तुम जिंदा भी हमारी वजह से हो? वैशाली को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी माँ को पानी का ग्लास थमाते हुए मैना से गुस्से में कहा, नहीं चाहिए हमें आपका एहसान, नहीं रहना हमें इस घर में, हम कल ही यहां से चले जाएंगे। ये कहकर वैशाली ने निर्मला से कहा, माँ चलिए आप आराम कीजिए। रवि भी उनकी आवाज सुनकर बाहर आ गया था। उसको वहां पर क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता था, पर जब उसने निर्मला की हालत खराब देखी तो वो जल्दी से वैशाली की मदद करते हुए उन्हें रूम में लेकर जाने लगा।
क्या वैशाली सच में अपनी चाचा चाची का घर छोड़कर चली जाएगी, या फिर उन्हें रोकने के लिए मैना और सूरज चलेंगे एक नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वैशाली और रवि के द्वारा उसकी माँ को अंदर ले जाने के बाद सूरज ने गुस्से से मैना के हाथ को पकड़ा और उसको बेडरूम में ले गया। स्नेहा भी उनके पीछे पीछे रूम में चली गई। सूरज ने मैना को रूम में ले जाकर गुस्से से उसका हाथ एक झटके के साथ छोड़ दिया और गुस्से से कहा, तुम पागल हो क्या? इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम इस बात का एहसास भी है कि अगर वो सब यहाँ से चले गए तो क्या होगा? मैना घबराते हुए बोली, वो मैं। वो इतना ही बोल पाई थी कि सूरज ने दोबारा से चिल्लाते हुए कहा, अगर वो कल यहाँ से गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम कल वैशाली और मैना से माफी मांगोगी और जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी, समझी? सूरज की बात सुनकर मैना ने डर से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अक्षत की प्राइवेट विला में अक्षत आराम से अपने स्टडी रूम में एक जरूरी डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। अचानक से डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज आई, लेकिन अक्षत ने उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि डोर पर कौन है। अक्षत के कुछ रिस्पॉन्स ना देने पर अब दरवाजे पर उस इंसान ने और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, जिससे शोर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। फिर उस इंसान की बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज आई, भाई भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अक्षत ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। लेकिन उसी वक्त दरवाजा अचानक से खुल गया। अभिनव बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए अंदर आया और गिड़गिड़ाने लगा, भाई आज मुझे आपने अंदर आने से मना कर दिया, भगवान ना करे कल को आप मुझे जायदाद से बेदखल कर दे। खैर छोड़िए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, नहीं तो मैं आपके इस छोटे से विला में कभी नहीं आता। अक्षत ने उसे बड़े आराम से जवाब दिया, अगर यहाँ तुम कोई बकवास बात करने आए हो तो यहाँ से इसी वक्त चले जाओ। उसकी बात सुनकर अभिनव ने थोड़ा डरते हुए कहा, अरे भाई आप भी ना बहुत ही जल्दी बुरा मान जाते हो, मैं तो यहाँ वैशाली के बारे में बात करने आया था। मेरे दिमाग में एक सवाल है और वो ये है कि आपको कैसे पता लगा कि वैशाली का बॉयफ्रेंड वो लड़का नहीं है? अरे क्या नाम था उसका? हाँ राघव, अभिनव ने याद करते हुए कहा। अक्षत ने डॉक्यूमेंट में से अपना सर बाहर निकाला और अभिनव को एक कोल्ड लुक देते हुए कहा, अगर मैं ना बताऊं तो? अभिनव ने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था कि अक्षत उसको सीधे सीधे कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वो पहले ही प्लानिंग करके आया था। उसने अक्षत को एक स्माइल दी और एक चेयर को खींच कर उसके ऊपर बैठ गया। उसकी इस हरकत से अक्षत ने उसको सवालिया नजरों से देखा। अभिनव ने बड़े प्यार से अपनी चिन को रब करते हुए कहा, तो मैं वैशाली को बता दूंगा कि आप रात को सपने में अपने पिलो को वैशाली समझकर उसको किस करते हैं और बार बार वैशाली का नाम लेते रहते हैं। उसकी बात सुनकर अक्षत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो बोला, क्या तुम उसे झूठ बोलोगे? अभिनव ने बड़े शान से कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अक्षत ये अच्छे से जानता था कि अभिनव ये झूठी बात वैशाली को बता सकता है, लेकिन फिर अक्षत ने भी अपना दांव खेला और कहा, अगर तुमने उससे कुछ भी बेकार की बात की तो मैं तुम्हें अपने रूस वाली फैक्ट्री में भेज दूंगा, वो भी इसी हफ्ते। अब अभिनव के पास अक्षत की बात का कुछ जवाब नहीं था। उसने अक्षत को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, भाई बहुत चालाक है, ऐसी चालाक के साथ वैशाली आपकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनेगी। अक्षत ने फिर से अपनी गर्दन नीचे झुका ली और अपना काम करने लगा। उसने फिर अभिनव की एक बात का जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर बाद डोर पर फिर एक नॉक हुई। बाहर से आवाज आई, बॉस मैं कपिल। अक्षत ने जवाब दिया, अंदर आ जाओ। अक्षत ने फिर अभिनव की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो जाओ यहाँ से। अभिनव ने पहले अक्षत को देखा फिर कपिल को। उसको समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने वहां से जाने का कष्ट नहीं किया और अक्षत से कहा, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला, ये देखो मैंने अपने कान बंद कर लिए हैं,
आप अपनी बात जारी रखो। ये कहकर अभिनव ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। इस बार अक्षत गुस्से से बोला, तुम जा रहे हो या नहीं? अभिनव उठा और वहां से पैर पटकते हुए चला गया, जैसे वो बहुत गुस्सा हो। अभिनव के जाने के बाद अक्षत ने कपिल को बोलने का इशारा किया। कपिल ने अपनी बात कहना शुरू किया। बॉस वैशाली मैडम एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। उनका पहले छोटा सा परिवार था, जिसमें वो, उनका छोटा भाई और उसके माँ और पापा थे। वैशाली के पापा का छोटा मोटा बिजनेस था और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। ये कहकर कपिल थोड़ी देर के लिए रुका और फिर आगे बोला, फिर एक दिन अचानक से उनके पिता की मौत की खबर आई। वो किसी काम से जम्मू जा रहे थे और उनकी गाड़ी खाई में गिर गई, लेकिन उनकी लाश नहीं मिली। उनके मरने के बाद वैशाली और उनका परिवार उसके चाचा सूरज के पास रहने के लिए चले गए। लेकिन सर, एक बात पता चली है जो इससे भी बड़ी है। कहो, अक्षत ने कहा। कपिल ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, बॉस, वास्तव में वैशाली मैडम के पापा मरे नहीं हैं। कपिल की बात सुनकर अक्षत थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मतलब? कपिल बोला, बॉस, उनकी गाड़ी तो खाई में गिरी थी, लेकिन वो नहीं। ऐसा क्यों? कपिल की बात सुनकर अक्षत बोला। कपिल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल बॉस, बात यह है कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में बहुत लोगों से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। उसी दौरान वो एक औरत से मिले जो एक अच्छी खासी बिजनेस वुमन थी। उस औरत को वैशाली मैडम के पापा से प्यार हो गया और उन्होंने उनके सामने ये शर्त रखी कि अगर उससे शादी कर लेते हैं तो उस औरत का सारा बिजनेस उनका होगा। कपिल ने गहरी सांस ली और आगे कहा, वो एक लालची इंसान था, लेकिन वो अपने परिवार से भी सीधे सीधे ये सब नहीं बता सकता था। वो अपने बच्चों से काफी प्यार करता था, इसलिए उनको दुख ना हो कि उनके पापा उन्हें इस तरह छोड़कर चले गए, इसी वजह से उन्होंने ये मरने वाला ड्रामा किया। अक्षत उसकी हर एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने कपिल से पूछा, क्या उनके बारे में कुछ पता लगा कि वो कहाँ है और उन्होंने किससे शादी की है? कपिल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, वो इस वक्त साउथ अफ्रीका में है, लेकिन वैशाली मैडम के चाचा को इस बारे में सब कुछ पता है। वो वैशाली और उसके भाई के खर्चे उठाने के लिए उनसे हर महीने पैसे लेते हैं। अक्षत ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अक्षत इस वक्त अपने दिमाग में सोच रहा था कि जब वैशाली को उसके पापा की करतूतों के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे बिहेव करेगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो बोला, और उस पुलिस वाले का क्या हुआ? हाँ बॉस, हमने उसके बारे में भी पता लगाया है। उसका पूरा नाम राघव रॉय है। वो एक ऐसा आदमी है जो अपनी हर रात एक नई लड़की के साथ बिताना पसंद करता है। उसकी फैमिली में उसके माँ बाप और वो है। उसके पापा भी एक पुलिस ऑफिसर हैं। राघव ने पहली बार वैशाली को तब देखा था जब वो कॉलेज में थी। उसके लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया था। सदमे में आकर उस लड़की ने खुद की जान ले ली। उसने उसके चाचा से वादा किया है कि अगर वो वैशाली मैडम की शादी उससे करवा देते हैं तो वो उनकी इलीगल कामों में हेल्प करेगा। अक्षत ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, वैशाली के रिश्ते कैसे हैं उसके चाचा के साथ? कपिल ने जवाब दिया, बॉस, आसपास से पता करने पर मालूम चला है कि उसके चाचा उसकी वाइफ और उनकी बेटी वैशाली को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अक्षत ने गहरी सांस ली और कपिल से कहा, वैशाली के चाचा को भी अच्छा सबक मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले उस पुलिस वाले का काम तमाम करो। कपिल ने अचानक से पूछा, बॉस, उसको मारना है क्या? अक्षत ने कहा, नहीं, उससे भी ज्यादा खराब होगा उसके साथ। तुम अब जा सकते हो, जो भी करना है मैं तुम्हें कल समझा दूंगा। कपिल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से जाने को हुआ तो अक्षत ने फिर से कहा, अभिनव बाहर खिड़की पर खड़ा है, उसको अंदर भेजो। कपिल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वो थोड़ा हैरानी के साथ बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नजर सबसे पहले अभिनव पर ही पड़ी, जो सच में एक खुली खिड़की से स्टडी रूम में झांक रहा था। उधर वैशाली अपने रूम में बिस्तर पर
इधर से उधर करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। आखिर रक्षत क्या करेगा राघव के साथ, और वैशाली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वैशाली अपने बिस्तर पर इधर से उधर करवटें ले रही थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वो बस ये सोच रही थी कि आखिर वो किस तरह अपने परिवार के लिए एक नया घर ले सकती है। इस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया घर खरीद सके। वो परेशान आवाज में बोली, हे भगवान, क्या मेरी मुसीबतें कभी कम नहीं होंगी? मैंने ये कह तो दिया कि हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, लेकिन क्या मैं नया घर ढूंढ पाऊंगी? ये सोचकर उसने अपना फोन निकाला और इंटरनेट पर ऑफिस के पास रेंट पर घर सर्च करने लगी, लेकिन उसे उनमें से एक भी घर पसंद नहीं आया। मायूस होकर उसने अपना फोन वापस टेबल पर रख दिया। उधर अभिनव ने जब ये सुना कि अक्षत ने उसको अंदर बुलाया है, उसकी सांसें गले में अटक गईं। वो डरते हुए अक्षत के रूम में आ गया। अक्षत अभी भी टेबल के सामने चेयर पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में कुछ कागज थे। अक्षत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अभिनव से कहा, तुम कौन सी फ्लाइट से रूस जाना पसंद करोगे? अभिनव ये सुनकर परेशान हो गया और उसने लगभग रोते हुए कहा, भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत निर्दयी हो रहे हो, अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कौन करता है? अक्षत ने ज्यादा समय ना लेकर अभिनव से काम की बात की और कहा, अगर तुम वहां नहीं जाना चाहते तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अभिनव ने जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अक्षत से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, काम जो भी हो मैं उसको जरूर करूंगा, क्योंकि कोई भी काम रूस की फैक्ट्री में जाने से बेकार नहीं हो सकता। अक्षत ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना होगा। अभिनव ने भी जोश में आकर जवाब दिया, मैं ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करूंगा। अक्षत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें वैशाली को मनाना होगा कि वो मुझसे शादी कर ले। अभिनव अक्षत की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने अपनी आंखें फाड़े अक्षत से कहा, वैशाली को शादी के लिए मनाना होगा? ये काम पहाड़ खोदने से भी ज्यादा कठिन है, और आप मुझे ये काम जल्दी करने को बोल रहे हैं? अभिनव ने अपनी सफाई देनी चाही पर अक्षत ने उसको बीच में ही रोक दिया। अक्षत बोला, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। अभिनव के शब्द मुंह में ही रह गए। ना चाहते हुए भी उसे अपने भाई के साथ डील करनी पड़ी। वो वहां से परेशान होकर निकल गया। सुबह हो चुकी थी। वैशाली जब नींद से उठी तो उसको बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कैसे एक रात में सब खत्म हो गया? जिन्हें मैं अपनी फैमिली मानती थी उन्होंने तो आज तक कभी फैमिली माना ही नहीं। अगर मैं रवि और माँ को लेकर इस घर से चली जाती हूँ तो हमारे लिए ही अच्छा होगा, कम से कम हम सब सुकून से तो रह पाएंगे। ये सोचकर वैशाली फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो उसने फिर से खाने की टेबल को रात जैसे सजे हुए देखा। वो सब वही खाना था या ये कहीं रात वाले खाने से भी अच्छा था? वैशाली का मन बिल्कुल भी खाना खाने का नहीं था। उसके दिमाग में रात वाली सारी बातें घूमने लगी और उसको और भी गुस्सा आने लगा। वो वहां से निकलकर सीधा अपनी माँ के रूम की तरफ गई। उसने वहां जाकर देखा तो उसकी माँ आराम से सोई थी। वैशाली धीरे से उनके तकिए के पास जाकर बैठ गई और अपनी माँ के चेहरे को देखने लगी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उसकी माँ ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, लेकिन अब वो अपनी माँ को और कुछ सहने नहीं देगी। अब वो उन्हें एक बेहतर जिंदगी देगी। वो मन ही मन अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, तभी उसकी माँ की नींद खुल गई। वैशाली को सामने देखकर उन्होंने परेशान होते हुए कहा, अरे मुझे आज इतनी देर हो गई, मैंने तो खाना भी नहीं बनाया है, पता नहीं कैसे पर मेरी आंख खुली ही नहीं, मैं जल्दी से तुम्हारे और सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। वैशाली अपनी माँ को शांत करवाते हुए कहती है, नहीं माँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, किसी ने पहले से ही नाश्ता बना दिया है। निर्मला ने चौंकते हुए कहा,
क्या किसी ने पहले ही नाश्ता बना दिया है? पर किसने? वैशाली बोली, पता नहीं, पर आप एक बात याद रखना, आपकी बेटी अभी जिंदा है और हम इस नर्क में और नहीं रहेंगे। अब आप बस आराम करेंगी। निर्मला चिंता में बोली, तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लेना। वैशाली अपनी जगह से उठ गई और बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वैशाली जैसे निर्मला के रूम से बाहर निकली, उसकी चाची मैना उसको आवाज लगाते हुए कहती हैं, बेटा वैशाली आओ खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, वैशाली ने कहा। मैना उदास होने का नाटक करते हुए बोली, बेटी कल जो भी हुआ उसको भूल जाओ, आखिर हम एक फैमिली हैं और फैमिली में लड़ाई झगड़े होना तो आम बात है। वैशाली ने आंखें सिकोड़ते हुए मैना से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूं। ये कहकर वैशाली वहां से निकल जाती है। तुम, मैना के मुंह से बस इतना ही निकला और वो बस वैशाली को वहां से जाते हुए देखने लगी। तभी निर्मला भी कमरे से बाहर आ गई। निर्मला को बाहर आते हुए देखकर मैना रोते हुए उनके पास आई और बोली, दीदी हमें माफ कर दीजिए, कल जो भी हुआ वो सब गलती से हो गया, इसकी जिम्मेदार मैं हूं, मैंने वैशाली से भी माफी मांग ली है, लेकिन शायद वो अभी भी नाराज है। मुझे पता है आप दोनों का दिल बहुत बड़ा है, आप दोनों मुझे जरूर माफ करेंगी। वैशाली की माँ दिल की बहुत साफ है और वो किसी की भी बात पर जल्दी विश्वास कर लेती है, इसलिए उन्हें मैना की झूठी एक्टिंग भी सच्ची लगी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, परिवार में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसलिए हमें उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। निर्मला की बात सुनकर मैना के चेहरे पर तुरंत एक जीत वाली मुस्कान आ गई और उसने निर्मला से कहा, दीदी आप सच में बहुत अच्छी हैं। रवि ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो उसको अपनी माँ के ऊपर बहुत तरस आ रहा था। वो कुछ ज्यादा ही दिलदार थी, वो सामने वाली को बिल्कुल भी नहीं समझ पाती थी। जब मैना ने रवि को देखा तो वो उससे बोली, खाना खा लो बेटा, मैंने अभी ताजा ताजा बनाया है। रवि ने मैना को गुस्से से देखा और कहा, नो थैंक्स। वो भी वैशाली की तरह भूखे पेट वहां से चला गया। मैना ने झूठ मूठ दुखी होते हुए कहा, ये सब मेरी ही गलती है। निर्मला उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वो दोनों बिल्कुल अपने बाप के जैसे जिद्दी हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो बाद में ठीक हो जाएंगे। वैशाली ने घर बाहर निकलकर वर्षा को फोन किया। फोन उठाते ही वैशाली वर्षा से बोली, वर्षा क्या तुम मेरे ऑफिस के आसपास कोई रेंट वाला घर ढूंढ सकती हो? घर? लेकिन क्यों? वैशाली हैरानी से बोली, मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी के लिए बस यही करो। वैशाली जवाब देते हुए बोली, ठीक है मैं कोशिश करती हूं, वर्षा ने कहा और उसके बाद उसने फोन काट दिया। उधर अक्षत भी ऑफिस के लिए निकल चुका था। उसने कपिल को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और खुद एक जरूरी मीटिंग के लिए निकल गया। अभिनव अपने कैबिन में बैठा और अक्षत की कल की बात याद कर रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह वैशाली को मनाए। वैशाली जब ऑफिस पहुंची तो उसने सबसे पहले अक्षत को कॉफी देने का सोचा। वो उसके लिए कॉफी लेकर जब उसके कैबिन के बाहर पहुंची तो वहां रूपल से टकरा गई। रूपल ने जैसे वैशाली को देखा वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आई और बोली, शायद तुम्हें अभी तक अपनी जगह पता नहीं लगी है, तभी आज भी अपना मुंह उठाकर यहां चली आई हो। वैशाली ने उसकी तरफ कोई ध्यान ना देने का फैसला लिया और वो अक्षत के कैबिन की डोर को नॉक करने लगी। रूपल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम बॉस की इतनी खास हो तो उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि आज वो मीटिंग में गए हैं और ऑफिस में नहीं है। वैशाली ने उसकी बात सुनी और अपना हाथ डोर से दूर हटा लिया। वो रूपल की तरफ मुड़ी और बोली, बॉस ने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक बात जरूर सिखाई है और वो ये है कि कुत्तों का काम भौंकना है, इसलिए उनके भौंकने पर नाराज नहीं होते। ये कहकर वैशाली वहां से चली गई। रूपल का मुंह पूरी तरह से गुस्से से लाल हो चुका था।
लेकिन पता नहीं क्यों वो आज वैशाली की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। वैशाली आज थोड़ी खुश थी क्योंकि कम से कम उसको आज अक्षत का चेहरा तो नहीं देखना पड़ा। वो अपना काम बहुत मन लगा कर कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो किसी अनजान नंबर से मैसेज आया था। वैशाली ने मैसेज को पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसमें लिखा था, ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस से गायब हूं, तुम्हारी जिंदगी से नहीं, उसमें मैं हमेशा रहूंगा। वैशाली ये मैसेज पढ़कर हैरान थी। वो सोचने लगी, आखिर ये मैसेज किसने भेजा है, आखिर वो मैसेज किसका था? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वैशाली उस मैसेज को पढ़कर हैरान थी। उसने फिर से एक बार मैसेज ठीक से पढ़ा, तब जाकर उसको लगा कि हो ना हो ये मैसेज अक्षत नहीं उसे भेजा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसके दिमाग में इस वक्त ये था कि अक्षत को कैसे पता लगा कि वो खुश हो रही है। वो मन ही मन बोली, कहीं वो जादूगर तो नहीं या फिर कोई भूत, शक्ल से तो बिल्कुल भूत ही लगता है। तभी वैशाली को अक्षत की बात याद आ गई, जब अक्षत ने उससे कहा था कि वो सिर्फ उसकी है। वो फिर से बुदबुदाई, कहीं मिस्टर जिंदल को सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनकी लाइफ में लड़कियों की कमी थोड़ी ना है जो वो मुझसे ही प्यार करेंगे, और वैसे भी उनके जैसा प्रेमी होना तो बहुत ही खतरनाक होगा। वैसे भी मैं पहले ही उस राघव से परेशान हूं और अब एक और मुसीबत मोल नहीं ले सकती। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग में आए सारे ख्यालों को झटक दिया। वैशाली ने फिर अपना फोन उठाया और उस पर उस मैसेज का जवाब देते हुए लिखा, आप कौन? उसके बाद उसने वो मैसेज सेंड कर दिया। जैसे वो मैसेज सेंड हुआ, वैशाली रिप्लाई का वेट करने लगी। मैसेज जाने के 5 मिनट के अंदर ही मैसेज का जवाब भी आ गया, जिसमें लिखा था, मेरे अलावा किसी और में इतनी हिम्मत भी है जो तुम्हें ऐसे मैसेज कर सके? अब वैशाली को पूरा यकीन हो गया कि ये अक्षत का नंबर है। आखिर ये बॉसी अवतार उसके अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता था। वैशाली को अक्षत का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिस तरह से अक्षत उसके ऊपर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करता था, उससे वैशाली को बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी। वैशाली ने गुस्से से टाइप किया, आखिर आपको मेरा नंबर मिला कहां से? जिस कंपनी में तुम काम करती हो वो मेरी है और अपने सारे एम्प्लॉयज की डिटेल मेरे पास है, समझे? अक्षत का ये मैसेज देखकर वैशाली को लगा जैसे अक्षत उसके ऊपर मैसेज में भी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा हो। वैशाली उसका जवाब सुनकर उसको मन ही मन खड़ूस कहती है, फिर अपना फोन ऑफ करके अपना काम करने लगती है। लेकिन जाकर भी वो अक्षत के ख्यालों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। उधर अक्षत अपने फोन को घूरे जा रहा था। जब उसने देखा कि वैशाली अब कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, तो उसने वैशाली को कॉल मिला दी, लेकिन वैशाली का फोन ऑफ था। अक्षत समझ गया कि उसने ये जानबूझकर किया है। अब अक्षत के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा था। वो मन ही मन बोला, इस लड़की की इतनी हिम्मत। उसने जल्दी से मीटिंग खत्म की और अपनी कार में आकर कपिल को चलने का इशारा किया। वो दोबारा से वैशाली को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन फिर से स्विच ऑफ था। अक्षत के गुस्से की सीमा अब खत्म हो रही थी। उसने अपने फोन से एक नंबर डायल किया और कहा, कंपनी में ये घोषणा कर दो कि अगर किसी ने अपना फोन कंपनी के अंदर स्विच ऑफ किया तो उसको उसी वक्त फायर कर दिया जाएगा। सामने से बस एक आवाज आती है, ओके सर। अक्षत फोन काट कर थोड़ा सा मुस्कुराता है। कपिल जो कि गाड़ी चला रहा था, जब वो अक्षत को मुस्कुराते हुए देखता है तो हैरान हो जाता है। वो अपने हाथ पर चुटकी काटता है, तब जाकर उसको यकीन होता है कि हिटलर सचमुच मुस्कुरा रहा है। उधर कंपनी में सब डिपार्टमेंट में ये खबर फैला दी गई कि कोई भी ऑफिस टाइम के दौरान अपना फोन ऑफ नहीं रखेगा। जब ये खबर वैशाली तक पहुंचती है तो वो सदमे में आ जाती है और सोचती है, आखिर ये किस तरह का रोल है। वो गुस्से से मन ही मन बोली, जरूर ये उसी का काम है, खड़ूस कहीं का। अगर ऐसे रोल बनाता रहा तो एक दिन उसकी कंपनी में कोई काम नहीं करेगा।
मुझे ये कहा है कि मैं तुमसे शादी की बात करूं। वैशाली अपनी आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी, फिर उसने अभिनव से कहा, लेकिन मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है जो मैं उनसे शादी करूंगी। अपने भाई की इतनी बेइज्जती सुनकर अभिनव को इस बार गुस्सा आ गया। वैशाली, जैसे तुम भाई के बारे में सोचती हो, भाई वैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो दिल के बहुत ही साफ इंसान है, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने आज तक किसी लड़की को ठीक से देखा तक नहीं है। तुम पहली हो जो भाई को पसंद आई हो, और भाई तुमसे शादी करना चाहते हैं। वैसे ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये तुम्हारी लाइफ है और तुम्हें इसके फैसले लेने का पूरा हक है। वैशाली अभिनव की बात सुनकर एक जगह बुद्ध बन गई थी। वो धीरे से बोली, क्या अक्षत सर के सच में आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये अमीर लड़के तो हर रोज लड़कियों को कपड़ों के जैसे बदलते हैं। इससे पहले भी उसे और जगह से भी पता लगा था कि अक्षत की आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन उस वक्त वैशाली को ऐसा भी लगा कि शायद अक्षत किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना पसंद ना करता हो, और वो ऐसी लड़कियों के साथ बस खेलना पसंद करता हो, क्योंकि उसने सुना था कि ज्यादातर अमीर ज्यादा ऐसा ही करते हैं। अचानक से उसके दिमाग में ये आया कि अगर उसकी और अक्षत की शादी हो गई तो वो किस तरह से उसके ऊपर हुक्म चलाएगा। इससे वो थोड़ा डर गई और अभिनव को साफ मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे भाई से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। शादी तो क्या, उनके साथ रहने के ख्याल से भी मुझे डर लगता है। अभिनव ने उसकी बात सुनकर बस अपना सिर हिला दिया। अब वो इस लड़की को किसी भी तरह मनाने में असमर्थ था। उसने लाचारी से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो दोनों वापस काम पर लग जाते हैं। क्या होगा आगे? क्या अक्षत वैशाली को शादी के लिए राजी कर पाएगा, या उनकी जिंदगी लेगी कोई नया मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पुलिस स्टेशन में राघव अपनी चेयर पर आराम से बैठा हुआ अपनी चाय आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एक कांस्टेबल आया और बोला, सर ये डॉक्यूमेंट आपके नाम पर आया है। राघव ने वो डॉक्यूमेंट लिया और कांस्टेबल को लात मार कर वहां से जाने का इशारा किया। उसने जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे डॉक्यूमेंट खोला और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे राघव उस पर लिखी लाइंस पढ़ता गया, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी होती गईं। जब उसने वो डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ लिया तो उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने पापा को फोन मिला दिया। दो रिंग के बाद उन्होंने राघव का फोन उठा लिया। उनके कुछ बोलने से पहले ही राघव चिल्ला कर कहता है, पापा ये सब क्या है? मेरा ट्रांसफर हो रहा है, और वो भी ऐसे एरिया में जहाँ बॉर्डर है, और वहाँ भी लड़ाई चल रही है। राघव के पापा ये सुनकर हैरान हो गए। वो हैरानी से बोले, ट्रांसफर, वो भी तुम्हारा? लेकिन मुझे तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। किसमें इतनी हिम्मत आ गई है जो मेरे बेटे का ट्रांसफर करवा रहा है, वो भी एक खतरनाक एरिया में? राघव ये सुनकर परेशान होते हुए कहता है, अगर आपको नहीं पता तो पता करवाइए। आखिर कौन है वो जो सामने से अपनी मौत को न्योता दे रहा है? ये कहकर राघव फोन काट देता है और अपनी सामने रखी चेयर को जोर से लात मारकर नीचे गिरा देता है। अक्षत भी अब ऑफिस पहुंच चुका था। उसने सबसे पहले अभिनव को अपने कैबिन में कॉल करके बुलाया। अभिनव अब अक्षत के सामने बैठा था। वो अक्षत को देखता है जो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अक्षत ने अपने लैपटॉप में देखते हुए अभिनव से कहा, बोलना शुरू करो। अभिनव ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, भाई मैंने वैशाली को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, और वो अपनी बात पर कायम रही कि वो आपसे शादी नहीं करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अक्षत ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अभिनव को एक खतरनाक लुक देते हुए कहा, तुम जाओ, मैं खुद देख लूंगा कि क्या करना है। अभिनव ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और वो गायब हो गया। अक्षत अपनी चेयर पर सर टिकाकर बैठ गया। वो एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर नहीं जा सकती हो। वो अपने ख्यालों में ही गुम था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी, जिसकी आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने जब स्क्रीन पर अपनी माँ का नंबर देखा तो उसकी बाहें तन गईं।
उसने मनी मन सोचा, आखिर मॉम ऑफिस टाइम में क्यों कॉल कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उसने कॉल उठाई और कहा, क्या हुआ मॉम? सामने से एक उदास आवाज में अक्षत की मॉम ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? जब से तुम लौटे हो तब से एक बार भी घर नहीं आए हो। तुम्हें याद भी है कि तुम्हारी एक फैमिली है या तुम भूल ही गए? मुझे याद है मॉम, अक्षत ने जवाब दिया। अच्छा है, अगर याद है अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज शाम को तुम घर आओगे डिनर के लिए, अक्षत की माँ बोली। अक्षत सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है। ओके। उसकी माँ के कुछ और कहने से पहले वो फोन काट चुका था। उसकी माँ बस अपना फोन हाथ में पकड़े हुए देखती रही। उन्होंने फिर लाचारी से अपना सर हिला दिया और धीरे से कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे जल्दी इसकी शादी करवानी होगी, शायद कोई लड़की इसको बदल दे। शाम का समय था, अभिनव और वैशाली का काम भी खत्म हो चुका था। अभिनव को थोड़ा काम था इसलिए वो वहीं रुक गया और वैशाली बाहर आ गई। अक्षत भी कुछ काम से बाहर आया था, वो अपनी पर्सनल लिफ्ट में जाकर खड़ा हुआ ही था कि तभी उसकी नजर वैशाली पर गई, जो अपना पर्स ठीक करती हुई वहां से निकल रही थी। अक्षत ने जल्दी से आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़ी और उसे लिफ्ट के अंदर खींच लिया। वैशाली ने हड़बड़ाहट में अपनी नजरें ऊपर उठाई तो उसने अक्षत को अपने सामने पाया। वो आराम से अपनी जेब में हाथ डालकर सामने देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब तक लिफ्ट भी बंद हो चुकी थी। पता नहीं क्यों पर अक्षत को देखकर वैशाली के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से अपने सर पर चपत मारते हुए कहा, इससे वैशाली तो इसकी खुशबू में डूब गई। याद रख वैशाली ही तेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। उसने खुद को नॉर्मल किया और फिर अक्षत से गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है, किसी को इस तरह से लिफ्ट में खींचना कोई अच्छी बात नहीं है। होंगे आप इस कंपनी के सीईओ, लेकिन आप इस तरह से किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अक्षत ने उसकी सारी बातों को इग्नोर किया और उससे खुद एक सवाल पूछा, तुमने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? उसका सवाल सुनकर वैशाली हड़बड़ा गई। वो हैरान परेशान सी बोली, वो बैटरी खत्म हो गई थी। अक्षत ने अपनी आईब्रोज हल्की सी हिलाई और वैशाली को देखा। उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वैशाली उसको खुद के करीब आते हुए देखकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? वो जाकर एकदम से लिफ्ट की दीवार से टकरा गई। वहीं अक्षत उसके बिल्कुल करीब आ गया। वैशाली इस वक्त अक्षत के सामने चुड़िया जैसी लग रही थी। उसने अपनी आंखों की पलकों को झपकाते हुए कहा, अब आप क्या करने वाले हैं? मैंने आपको बता तो दिया कि मेरे फोन में बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं। वो इतना ही बोल पाई थी कि अक्षत ने उसकी कमर में अपना एक हाथ डाला और अपनी गर्दन नीचे झुकाकर उसके लिप्स को चूम लिया। वैशाली की आंखें हैरानी से बाहर आ गईं। अक्षत उसे काफी पैशनेटली किस कर रहा था, किसी प्यासे भेड़िये के जैसा जिसे काफी समय बाद खाना मिला हो। वैशाली बार बार अपनी पलकें झपकाए जा रही थी, लेकिन
वैशाली, तुम कहाँ खोई हुई हो? अभिनव ने वैशाली से पूछा। वैशाली को लगा शायद वो कोई सपना देख रही थी, लेकिन तभी अभिनव फिर से शरारती लहजे में बोला, वैसे भाई और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? अभिनव की बात सुनकर वैशाली तपाक से बोली, इसका मतलब वो यहाँ थे? हाँ, वो अभी तो यहाँ से गए हैं जब मैं अंदर आया, अभिनव ने कहा तो वैशाली के दिल की धड़कनें वापस से बढ़ गईं। अभिनव शक की निगाहों से वैशाली को देखे जा रहा था। तभी वैशाली का फोन बजा। तब तक उनकी लिफ्ट वापस से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। किसका कॉल था और क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिनव ने तिरछी नजरों से वैशाली के फोन में देखा और कहा, फ्रेंड? वैशाली ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ। वैशाली ने फिर फोन उठाया। उसके फोन उठाते ही वर्षा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, यार इतना टाइम लगता है फोन उठाने में। वैशाली ने हंसते हुए कहा, अरे सॉरी ना। वर्षा बोली, ठीक है माफ किया तुझे, और अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने किसी से कहकर तेरे लिए घर का इंतजाम करवा दिया है। किराया भी कम है और तेरे ऑफिस के भी नजदीक है, पर तू एक बार देख ले, मैं तेरे ऑफिस के नीचे ही खड़ी हूँ, साथ में चलते हैं। वैशाली ने अपनी नजरें घुमाई और फिर उसे गेट के बाहर वर्षा दिखाई दी। वो उसकी तरफ बढ़ी रही थी कि उसकी नजर अक्षत पर गई, जो नीरज के साथ बाहर की तरफ जा रहा था। उसे देखकर वैशाली एकदम से रुक गई और उसके जाने का इंतजार करने लगी। अभिनव, जो कि उसके साथ ही खड़ा था, उसने वैशाली से कहा, क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं रही? उसने अभी तक अक्षत को नोटिस नहीं किया था। वैशाली बोली, अभी चलते हैं, पहले मैं मेडिटेशन कर लूं। उसकी बात सुनकर अभिनव ने अपना सर खुजाते हुए कहा, मेडिटेशन? हाँ, मैं ऑफिस से बाहर निकलने के बाद यही करती हूं, ताकि मुझे अच्छा फील हो। वैशाली बोली तो अभिनव ने उसे अजीब तरह से देखा और कहा, ठीक है करो करो। वहां गेट के बाहर वर्षा अपनी स्कूटी के साथ खड़ी थी। वो अपने सामने बनी बिल्डिंग को ध्यान से देख रही थी। वो अपने सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हुए बोली, क्या आलीशान बिल्डिंग है यार, काश मैं इस कंपनी की मालकिन होती तो कितना अच्छा होता। तभी उसकी नजर बिल्डिंग से बाहर निकलते अक्षत पर पड़ी। उसकी आंखों पर काले रंग का चश्मा चढ़ा हुआ था और उसका एक हाथ जेब में था। वर्षा उसको देखकर एक मिनट के लिए कहीं खो सी गई। यार ये अक्षत चिंदल कितना हॉट लग रहा है, मन कर रहा है जाकर इसको गले लगा लूं। वर्षा अपनी ख्यालों में थी कि अक्षत उसकी आंखों के आगे से गायब हो गया। उसने इधर उधर देखा तो अक्षत उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। वहां जब वैशाली ने यह श्योर कर लिया कि अक्षत आसपास नहीं है, तो वो बाहर आ गई। अभिनव, जो कि पास में खड़ा हुआ एक ऑफिस की एम्प्लॉय से फ्लर्ट कर रहा था, उसने जब वैशाली को वहां से जाते हुए देखा तो वो भी जल्दी से उसके पीछे आ गया। वर्षा ने जब वैशाली को एक आदमी के साथ बाहर आते हुए देखा तो वह खुद से ही बोली, अब ये हैंडसम कौन है? अभिनव देखने में काफी अच्छा लग रहा था। वर्षा को उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभिनव से अपना ध्यान हटाकर वर्षा वैशाली को देखने लगी। वो वैशाली की तरफ दौड़ कर जाती है और उसको गले से लगा लेती है। वो दोनों आपस में काफी खुश लग रहे थे। वर्षा ने खुश होते हुए वैशाली से कहा, गेस करो कि अभी मैंने किसे देखा। वैशाली ने थोड़ा कंफ्यूजन में कहा, किसे? अरे अक्षत जिंदल को यार, वो कितना हैंडसम है। आज तो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा था, उसका स्टाइल, उसका एटीट्यूड, मैं तो उसकी फैन ही हो गई हूं। और तू कितनी लकी है यार, तू उसको रोज देख सकती है। वर्षा अक्षत की तारीफ की जा रही थी। अभिनव वर्षा की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी पागल को देख रहा है। उसने मन ही मन कहा, आज तक मेरे सामने किसी लड़की ने दूसरे मर्द की तारीफ नहीं की है, लेकिन ये लड़की ऐसा कर रही थी। वो किसी और मर्द की तारीफ उसके सामने कर रही थी। ठीक है अगर वो मेरा भाई है, लेकिन मैं भी किसी स्टार से कम नहीं लगता हूं। अभिनव ने वर्षा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए खांसना शुरू कर दिया। वर्षा ने उसको ऐसे देखा जैसे उसने उसकी बातों में खलल डाल दिया हो।
और फिर उसने वैशाली से पूछा, ये कौन है? अभिनव ये सुनकर मर जाना चाहता था। क्या वो उसको नहीं जानती थी? वैशाली काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। उसने अभिनव की तरफ देखा और कहा, ये अक्षत सर के छोटे भाई अभिनव हैं। उसकी बात सुनकर वर्षा थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी और अभिनव ने अपना सीना गर्व से चौड़ा कर लिया। तभी वर्षा ने कहा, अच्छा मैं ज्यादा बिजनेस न्यूज फॉलो नहीं करती, इसलिए मैंने इनको नहीं पहचाना। अभिनव उसकी बात सुनकर उसको जान से मार देना चाहता था। वो मनी मन गुस्से से बोला, आखिर ये लड़की मेरी और कितनी बेइज्जती करेगी। वो उसको अब और भी ज्यादा घूरने लगा था। वर्षा ने अभिनव की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वैशाली से कहा, चले अब। वैशाली ने अभिनव को बाय कहा और वर्षा के साथ वहां से जाने लगी। अभिनव अब वहां अकेले खड़ा था। वो उन दोनों को वहां से जाते हुए देख रहा था। उसका मूड अब काफी खराब लग रहा था। तभी अभिनव के पीछे से गाड़ी बार बार हॉर्न मारने लगी। अभिनव अपने ख्यालों से बाहर आता है और पीछे देखता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था। आज अक्षत खुद ड्राइव कर रहा था। अक्षत अपनी गर्दन कार से बाहर निकालता है और अभिनव से कहता है, मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। अभिनव जब अक्षत को ड्राइव करते हुए देखता है तो वो चिंता करते हुए कहता है, भाई कपिल कहाँ है? अक्षत ने बिना भाव के जवाब दिया, उसे मैंने छुट्टी दे दी है क्योंकि मैं अभी घर जा रहा हूं। अभिनव को कुछ याद आया और वो जल्दी से अक्षत के पास गया और नीचे झुकते हुए बोला, भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, वैशाली तो आपसे शादी नहीं करेगी लेकिन उसकी दोस्त आपने काफी इंटरेस्टेड दिखती है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। अक्षत ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा है। उसने कार स्टार्ट करते हुए अभिनव से कहा, तुम चाहो तो मेरी गाड़ी के नीचे आ सकते हो। उसकी बात सुनकर अभिनव अब ब्लैंक हो चुका था। उसने फिर आगे कुछ नहीं कहा। वैशाली और वर्षा आधे रास्ते में थे। वैशाली वर्षा को डांटते हुए कहती है, क्या तुम अपना मुंह चुप नहीं रख सकती और तुम्हें कब से वो हैंडसम लगने लगा? वर्षा ने वैशाली की टांग खींचते हुए कहा, वो कौन? वैशाली ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अरे वो ही अक्षत जिंदल, तुम कब से उसमें इंटरेस्ट लेने लगी? वर्षा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने तो बस उस चीज की तारीफ की है जिसे भगवान ने फुर्सत से बनाया है। फुर्सत से बनाया है? वैशाली को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वो वर्षा को कहती है, अगर फुर्सत से बनाया होता तो भगवान दिमाग डालना थोड़ी ना भूल जाते उनमें। वैशाली की ये बात सुनकर वर्षा जोर जोर से हंसने लगती है। उधर अक्षत अपने घर चिंदल हाउस पहुंच चुका था। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा उसको लोगों की हंसी की आवाजें आने लगी। वो जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा वहां और भी लोग थे। उसको देखकर अक्षत की माँ तुरंत उसके पास आ गई और उसे गले मिलते हुए बोली, आ गया मेरा बच्चा, ये देखो आज घर पर कुछ मेहमान आए हैं। ये है मिसेस मल्होत्रा और ये रही उनकी बेटी किंजल मल्होत्रा। अक्षत की माँ ने इशारा करते हुए कहा। अक्षत ने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना सर हिलाकर वहां से जाने लगा। अक्षत की मां ने उसको जाते हुए देखकर उसे रोकते हुए कहा, अक्षत बेटा। अपनी मां की बात सुनकर अक्षत रुक गया और अपनी मां को सवालिया नजरों से देखने लगा। बेटा वो किंजल अभी थोड़े दिनों पहले ही अपनी स्टडी ऑस्ट्रेलिया से पूरी करके आई है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। अक्षत को अब सब बात समझ आ चुकी थी। वो समझ गया था कि आखिर उसकी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है। वो गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, अगर ये प्यारी है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर किंजल और उसकी माँ हैरान हो गए। जब किंजल ने अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात बताई थी कि उसके रिश्ते की बात अक्षत जिंदल के साथ चल रही है, तो उनमें से किसी ने कहा भी था कि अक्षत लड़कियों के साथ बहुत रूड है, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि वो बस जलन के कारण ये सब कह रही हैं, और उसको अपने ऊपर भी इतना विश्वास था कि वो इतनी सुंदर है जो अक्षत जैसे लड़के को अपनी ब्यूटी से आसानी से इंप्रेस कर सकती है। अक्षत को इंप्रेस कर पाएगी किंजल? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
अक्षत की माँ को पता था कि उनका बेटा बहुत रूढ़ है, लेकिन वो इस तरह से सबके सामने ऐसे बात करेगा उनको कोई आइडिया नहीं था। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। वो अक्षत को कुछ बोलना चाहती थी, पर उससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, अक्षत के पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज आई। अरे अक्षत बेटा, आ गए तुम। अक्षत पीछे मुड़ा और उसने देखा कि उसकी दादी और दादा मुस्कुराकर उसकी तरफ ही आ रहे थे। अक्षत की आंखें जो अभी तक गुस्से से लाल थी, उनको देखकर वो काफी नॉर्मल हो चुकी थी। वो उन दोनों के पास गया। अक्षत को देखकर उसकी दादी ने प्यार से अक्षत के गाल पर हाथ फिराया और कहा, मेरा प्यारा बच्चा, बहुत याद किया दादी ने तुम्हें। अगले पल वहां पर अभिनव की आवाज गूंजी, आज मैंने देख लिया कि आप सब भाई को ही ज्यादा प्यार करते हैं। सबका ध्यान अभिनव की तरफ गया और सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। अब माहौल काफी नॉर्मल हो चुका था। तभी अक्षत की माँ ने कहा, अब सब लोग आ गए हैं तो डिनर कर लेते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा। अक्षत का मन बिल्कुल भी खाने का नहीं था, लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट्स के कहने पर उसको सबके साथ खाना खाने के लिए मानना ही पड़ा। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। किंजल अब काफी मायूस फील कर रही थी। अक्षत ने जिस तरह उसके बारे में बात की थी, उससे वो उदास हो चुकी थी। उसका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, वो बस अक्षत को देखी जा रही थी। उसके अंदर अक्षत को पानी की लालसा और भी बढ़ गई थी। अक्षत की माँ ने अक्षत की दादी की तरफ कुछ इशारा किया तो अक्षत की दादी ने अक्षत को देखकर कहा, बेटा अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है, जल्दी से तुम हमें एक पोता दे दो, पता नहीं ये बुढ़िया कितने दिन तक और जिएगी। अक्षत ने बिना एक्सप्रेशन के खाना खाते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, जल्द ही आपका परपोता आपके हाथों में होगा। उसकी ये बातें सुनकर वहां बैठे लोग चौंक गए। किंजल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसको लग रहा था कि अक्षत उससे शादी करने के लिए मान गया है। अभिनव के मुंह से लगभग खाना बाहर ही आ गया था। वो अपने भाई की टांग पर अपना पैर मारता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, भाई वो अभी तक मानी नहीं है शादी के लिए, इसलिए आप उससे शादी करने के सपने छोड़ दीजिए। अक्षत ने अभिनव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपने खाने पर फोकस कर रहा था। अक्षत की दादी ने उत्सुक होकर अक्षत से फिर से सवाल किया, क्या तुम सच में शादी के लिए तैयार हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हारे लिए लड़की भी ढूंढनी पड़ेगी। ये कहकर वो किंजल की तरफ प्यार से देखने लगती है। अक्षत की दादी को भी किंजल काफी पसंद आई थी। उनको किंजल का स्वभाव काफी अच्छा लगा था और वो हमेशा से अक्षत के लिए ऐसी लड़की चाहती थी। मिसेज अग्रवाल भी काफी खुश लग रही थी। आखिर कौन माँ अपनी बेटी की शादी अक्षत जिंदल के साथ नहीं करवाना चाहेगी? लेकिन उनको नहीं पता था कि अक्षत अब उनके सारे अरमानों पर पानी फेरने वाला था। अक्षत ने अपना चम्मच नीचे रखा और अपनी दादी की तरफ देखकर कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है और मैं उससे ही शादी करूंगा। अक्षत की बात सुनकर उन सब के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। अक्षत अपनी बात पूरी करके वहां से चला गया। मिसेज अग्रवाल को अब बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया हो। उन्होंने अक्षत की मां से गुस्से में कहा, जब आपके लड़के को कोई और लड़की पसंद थी तो आपने क्या हमें यहां बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? माना कि आपकी फैमिली बहुत बड़ी और पावरफुल है, पर हम भी कोई सड़क के भिखारी नहीं है। ये कहकर वो किंजल का हाथ पकड़ती है और उसको वहां से ले जाते हुए कहती है, चलो अब यहां से, मैं तुम्हारे लिए अक्षत से भी अच्छा लड़का ढूंढ लाऊंगी। अक्षत की मां के शब्द उनके मुंह में ही रह गए। आज उनके बेटे ने उन्हें काफी शर्मिंदा किया था। गायत्री के पास उन्हें घर से जाने देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अक्षत की मां काफी उदास लग रही थी। तभी अक्षत की दादी ने उनसे कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, ये तो खुशी की बात है कि अक्षत ने लड़की पसंद कर ली है। ये सुनकर अक्षत की मां थोड़ी शांत होती हैं और वो अक्षत की दादी से बोली, पर वो लड़की है कौन? ये सवाल तो अभी तक उनके किसी के दिमाग में आया ही नहीं था। उन तीनों ने एक साथ अभिनव की तरफ देखा, जो बस वहां से उल्टे पैर भागने वाला था। उसको पता था कि आखिर में बलि का बकरा उसको ही बनना है। सब लोगों को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर वो उनसे कहता है,
क्या आप लोग मुझे ऐसे घूरना बंद करेंगे? उसकी माँ उससे पूछती है, अभी बताओ कौन है वो लड़की? क्या वो कोई बिजनेस वुमन है या किसी राज घराने से है? अभिनव पहले तो उन्हें कुछ बताना नहीं चाहता था, पर उसको पता था अगर उसने नहीं बताया तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए उसने जवाब दिया, अरे वो किसी राज घराने से नहीं है और ना ही वो कोई बिजनेस वुमन है, वो बस हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय है। ये सुनकर वहां बैठे वो तीनों चौंक जाते हैं। अक्षत की माँ गुस्से से कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? दूसरी तरफ वैशाली और वर्षा घर देखने पहुंच चुके थे। वो घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर वैशाली को वो बहुत पसंद आया था। उसमें तीन कमरे और एक रसोई थी और एक छोटी सी बालकनी थी। वैशाली और वर्षा दोनों वहां से घर देखकर चले गए। रास्ते में वर्षा ने वैशाली से पूछा, वैशाली मुझे तो ये घर काफी पसंद आया और सबसे बड़ी बात ये तुम्हारे बजट के अंदर भी है। वैशाली भी मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ यार ये घर मुझे भी काफी पसंद आया है, मैं जल्द से जल्द यहाँ शिफ्ट होने वाली हूँ, लेकिन पहले मुझे माँ को भी यहाँ रहने के लिए मनाना होगा। जब वैशाली घर पहुंची तो अपनी माँ को मैना के साथ हंसी मजाक करते हुए देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। वो अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ मैंने घर ले लिया है, आप सामान पैक करो, हम कल ही वहां शिफ्ट होने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मैना और निर्मला दोनों हैरान हो जाती हैं। मैना वैशाली से कहती है, बेटा कल वाली बात से तुम इतना नाराज हो गई थी क्या जो आज ही तुमने घर ढूंढ लिया? ये भी तुम्हारा ही घर है। निर्मला भी मैना की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, बेटा इतना गुस्सा मत करो, देखो तुम्हारी चाची माफी भी मांग रही है, गुस्सा छोड़ो अब हम कहीं नहीं जाएंगे। वैशाली को समझ आ चुका था कि इतना आसान नहीं होगा यहां से निकलना, क्योंकि उसकी चाची एक मुफ्त की नौकरानी को ऐसे ही नहीं जाने देने वाली। लेकिन वैशाली ने भी अपना दिमाग चलाया और कहा, माँ और चाची आपको किसने कहा कि मैं कल की बात पर नाराज हूँ? और बात रही घर ढूंढने की, तो जहाँ मैंने घर लिया है वो जगह मेरे ऑफिस के काफी नजदीक है और रवि के स्कूल के भी, इसीलिए मैंने वो घर लिया है, और कभी ना कभी तो हमें घर लेना ही था, आगे चलकर रवि की भी शादी होनी है, इसलिए अपना घर होना तो जरूरी है। उसकी बात निर्मला को भी ठीक लगी, आखिर उन्हें कभी ना कभी तो घर लेना ही था। मैना को पता चल चुका था कि वैशाली अपनी माँ को मनाने के लिए अपनी बातों का जाल बिछा रही है। इससे पहले वो कुछ और कहती, वैशाली झट से बोली, चाची आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको हमारी याद आए तो आप हमसे मिलने आ सकती हैं, ज्यादा दूर घर नहीं लिया है। पर कुछ नहीं चाची, हमारा घर आपका ही होगा, आप जब चाहे वहां आ सकती हैं, वैशाली ने दोबारा से कहा। मैना के शब्द मुंह में ही रह गए। वैशाली ने एक भी मिनट गवाए बिना अपनी माँ को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उन्हें वहां से लेकर जाने लगी। अरे माँ जल्दी चलो, हमें बहुत सामान पैक करना है, निर्मला कहती है। ठीक है ठीक है। मैना उन माँ बेटी को वहां से जाते हुए बस देखती रह गई। वो मन ही मन कहती है, चालाक लोमड़ी। उधर राघव के पापा चाह कर भी राघव का ट्रांसफर रोक नहीं पा रहे थे। उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया था। उनके सारे कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं लग रहा था कि आखिर ये सब कर कौन रहा था और क्यों। क्या होगा आगे? क्या राघव के पापा पता लगा पाएंगे कि ये सब किसने किया है? और क्या वैशाली के नए घर में जाने का सपना पूरा हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब अक्षत के घर वालों ने ये सुना कि अक्षत जिस लड़की से प्यार करता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो सबसे ज्यादा गुस्सा अक्षत की माँ को आया। उन्होंने अभिनव से गुस्से में कहा, अक्षत ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है जिसका वजूद होते हुए भी कोई वजूद नहीं है? हम बिल्कुल भी ऐसे ही किसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। क्या जवाब देंगे हम अपने लोगों को कि हमने एक सड़क से उठाई हुई लड़की को जिंदल खानदान की बहू बनाया है? क्या इज्जत रह जाएगी उसके बाद हमारी सोसाइटी में? अभिनव उनकी बातें सुनकर हैरान था। वो मन ही मन सोच रहा था, आखिर कैसे माँ किसी लड़की को उसके बैकग्राउंड से जज कर सकती है? उसको अपनी माँ की इस साइट के बारे में तो पता ही नहीं था। वो अपनी माँ से थोड़ा निराश होते हुए बोला,
माँ वो एक बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ज्यादा होनहार भी। हमारा मिस्टर मेहरा वाला प्रोजेक्ट वो ही संभाल रही है और हम इसीलिए उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसका स्टेटस हमसे मैच नहीं करता है। उसके बात पर राजी होते हुए उसकी दादी ने भी कहा, हाँ मुझे भी लगता है कि अभिनव सही कह रहा है और हमें इस समय इन सब बातों को इग्नोर करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात अक्षत को लड़की पसंद है, इसीलिए हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अक्षत की माँ ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, माँ अगर हमने उसको अपने घर की बहू बना लिया तो सोचिए कि वो हमारे साथ बिल्कुल भी रंग नहीं पाएगी, उसका सब कुछ अलग होगा और उसको ये सब सीखने में भी बहुत समय लगेगा। इसीलिए हमें अक्षत की शादी ऐसी लड़की से करानी चाहिए जो पहले से ही हमारे स्टेटस को मैच करती हो, इससे हमें बिजनेस में भी काफी मदद मिलेगी। विक्रांत जिंदल जो अभी तक चुप बैठे थे वो एकदम से बोल पड़े, बहू बिल्कुल सही कह रही है, हमें ही अक्षत के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए, वो अभी बच्चा है और उसे सही और गलत की पहचान नहीं है। पर अक्षत की दादी ने बोलना चाहा, लेकिन विक्रांत जिंदल ने तुरंत उनकी बात काट दी और वो बोले, अक्षत को भी इस घर के कायदे कानून मानने पड़ेंगे। पर भाई ये बात नहीं मानेंगे, अभिनव ने कहा तो उसकी दादा फिर से बोले, अब इस बात में मैं कोई बहस नहीं चाहता। ये कहकर विक्रांत जिंदल अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अभिनव भी जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अक्षत के पास उसके रूम की तरफ बढ़ गया। अक्षत अपने रूम में सोफे पर बैठा लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रहा था। अभिनव उसके पास गया और सोफे पर अक्षत के पास बैठते हुए थोड़ा डरते हुए बोला, भाई मैंने वो, ये कहकर वो चुप हो गया। अक्षत ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अभिनव से कहा, वो क्या? अभिनव ने एक ही सांस में अपनी बात कहना शुरू किया, भाई वो मैंने घर वालों को बात बता दी है, मैंने वैशाली के बारे में उन्हें बता दिया, वो सब बहुत नाराज हैं, वो कभी भी आपकी शादी वैशाली के साथ नहीं होने देंगे, उनका मानना है कि एक आम सी लड़की उनके परिवार की बहू नहीं बन सकती, अब आप क्या करोगे भाई? अभिनव ने थोड़ा चिंता में कहा, उसकी बातों से तो जैसे अक्षत पर कोई असर ही नहीं हुआ, उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं दिखाई दे रही थी। उसने अभिनव से बड़े आराम से कहा, उन लोगों की इजाजत किसने मांगी है? अभिनव अपनी भाई की बात सुनकर हैरान हो गया। वो हैरान होते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं भाई, क्या आप बिना बताए शादी करेंगे? अक्षत ने इस बार उसकी बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए अभिनव दोबारा से बोला, अरे भाई ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपकी लव स्टोरी तो बिल्कुल एक मूवी जैसी है जिसमें हीरो घर वालों को बिना बताए हीरोइन से जबरदस्ती शादी करेगा। अभिनव की बात सुनकर अक्षत उसको घूरने लगता है। वो उसको ऐसे घूर रहा था जैसे उसको वार्निंग दे रहा हो कि अगर तुमने कुछ और कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। अभिनव ने वहां से चले जाना ही बेहतर समझा, वो बिना समय गवाए वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद अक्षत के एक्सप्रेशन गहरे हो गए। उधर वैशाली और उसकी माँ ने सारा सामान पैक कर लिया था। जब रवि को ये बात पता चली कि वो ये घर छोड़कर जा रहे हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो वैशाली के गले मिलते हुए बोला, दीदी यू आर द बेस्ट। उन सब में से उसने सबसे पहले अपना सामान पैक कर लिया था। जब उनके जाने की बात सूरज को पता लगी तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से मैना को एक थप्पड़ मारा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उस रात वो बखेड़ा खड़ा नहीं करती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैना ने अपना हाथ सूजे हुए मुंह पर रखा और वो रोते हुए कहने लगी, मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की पर वैशाली बहुत चालाक है, उसने पहले से यहाँ से जाने का प्लान बना लिया था और अब उसको बहाना भी मिल गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैना की बात सुनकर सूरज की आंखें छोटी हो गई और वो कमरे से बाहर चला गया। उसने निर्मला को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वैशाली ने उनकी एक भी चाल कामयाब नहीं होने दी। ना चाहते हुए भी सूरज को उनके जाने के लिए मानना ही पड़ा। वैशाली ने ऑफिस में कॉल करके एक दिन की छुट्टी ले ली थी। उसने एक टैक्सी बुलाकर सारा सामान उसमें रखवा दिया। उनके पास कपड़ों के अलावा कुछ और ही जरूरी सामान था और जो सामान उनके लिए जरूरी था वो वैशाली ने ऑनलाइन मंगवा लिया था। थोड़ी देर बाद वो अपने नए घर में थे।
जो सामान वैशाली ने ऑनलाइन मंगवाया था वो कुछ दिनों बाद आने वाला था। उन्होंने आधे से भी ज्यादा दिन में सारा सामान सेट कर लिया था। निर्मला को वो जगह काफी पसंद आई थी। उस छोटे से घर के आगे एक छोटा गार्डन था जिसमें निर्मला फूल और सब्जियां उगाने के बारे में सोच रही थी। उसने वैशाली से कहा, अब तो लगभग सब सामान सेट हो चुका है, मैं कुछ जरूरी सामान लेने मार्केट जाती हूँ। वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ आप रहने दीजिए, मैं मार्केट जाकर सामान ले आती हूँ, आप बस सामान की लिस्ट बना दीजिए। वैशाली थोड़ी देर में सामान लेने के लिए निकल गई। उधर अक्षत के घर वैशाली के बारे में पता लगने पर अक्षत की माँ काफी परेशान हो गई थी। वो अक्षत के कमरे में उससे बात करने के लिए गई। उन्होंने देखा अक्षत कुछ काम कर रहा था। उन्होंने अक्षत को डिस्टर्ब नहीं किया और धीरे से कहा, अभी तो ये काम कर रहा है, अगर अभी मैंने बात की तो ये पक्का ही बुरा मान जाएगा, इसलिए सुबह बात करूंगी। सुबह जैसे ही सब सोकर उठे अक्षत वहां नहीं था। जब अक्षत की मां ने नौकरों से पूछा तो उन्हें पता लगा कि अक्षत रात को यहां से चला गया था। अक्षत की मां ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ये लड़का सचमुच मेरी समझ से बाहर है, अपनी मां को बिना बताए घर से चला गया। खैर अब कर भी क्या सकते हैं। सुबह होते ही अक्षत कंपनी के लिए निकल गया। ऑफिस में जाते ही उसकी एक जरूरी मीटिंग थी। मीटिंग खत्म होने के कई देर बाद भी वैशाली जब उसके लिए कॉफी लेकर नहीं आई तो उसने अभिनव को कॉल किया। अभिनव के फोन उठाते ही अक्षत ने पूछा, वो कहाँ है? वो कौन भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं? अभिनव ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। अक्षत को अभिनव से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, उसने बिना एक्सप्रेशन के साथ कहा, जितना पूछा है उतना जवाब दो। अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ, वो वैशाली ने तो आज की छुट्टी ली है। उसकी इतनी बात सुनने के बाद अक्षत ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। दूसरी तरफ वैशाली को सामान लेते लेते शाम हो चुकी थी। वो अपने दोनों हाथों में सामान का बैग लिए हुए टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी उसके सामने एक चमचमाती लाल रंग की कार रुकी। वैशाली ने जब नजरें उठाकर उस कार को देखा तो उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। वैशाली ने हैरानी से उस लड़के की तरफ देखा और कहा, रुद्र जी आप यहाँ? क्या होगा आगे अक्षत और वैशाली की कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें यहाँ जब देखा तो मैं रुक गया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैशाली हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं मार्केट से कुछ जरूरी सामान लेने आई थी। रुद्र ने उसके दोनों हाथों में सामान से लदे बैग्स को देखा और कहा, कुछ सामान बस? उसके बात सुनकर वैशाली बस मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि उसके पास कुछ सामान नहीं बल्कि बहुत सामान था। रुद्र ने उसके हाथों से सामान लेते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रुद्र के अचानक से उसके हाथों से सामान लेने से वैशाली को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वहीं रुद्र उसके हाथ से सामान ले चुका था। वैशाली ने उसको मना करते हुए कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले जाऊंगी, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने उसको झूठ मूठ डांटते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आखिर तुम मेरे दोस्त की दोस्त हो, इसलिए अगर मैंने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ा तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। ओके ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, वैशाली ने अब हार मानते हुए कहा। वैशाली अब रुद्र के साथ कार में थी। रुद्र बिना मुंह पर लगाम लगाए बस बोले जा रहा था। वैशाली बस हाँ और ना में जवाब दे रही थी। वैशाली ने रुद्र को अपने घर का एड्रेस बताया और कुछ देर बाद कार वैशाली के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। वैशाली ने रुद्र को अपने साथ घर के अंदर चलने को कहा ताकि वो रुद्र को उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा कर सके। पहले तो रुद्र मना कर रहा था लेकिन फिर वो वैशाली के साथ जाने के लिए मान गया। वो दोनों मुस्कुराकर और बातें करते हुए अंदर की तरफ जाने लगे। इस बात से अनजान कि कुछ दूरी पर एक काले कलर की लैम्बोर्गिनी में बैठा इंसान उन्हें बुरी तरह से घूरे जा रहा था। रुद्र और वैशाली जब अंदर गए तो वैशाली ने रुद्र को एक चेयर पर बैठा दिया। उसने अपनी मां और रवि को बताया कि
वो उसका एक दोस्त है। रुद्र काफी मिलनसार था और वो जल्दी निर्मला और रवि के साथ घुल मिल गया। वो उनसे बिना हिचकिचाए बातें किए जा रहा था। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो उन सबसे पहली बार मिला हो। बातों बातों में वैशाली ने रुद्र से कहा, हमारा घर थोड़ा छोटा है, आपको शायद। इससे पहले वैशाली कुछ और कहती, रुद्र बड़े प्यार से वैशाली से कहता है, जिस घर में तुम रहती हो वो घर छोटा कैसे हो सकता है। रवि ने भी झट से कहा, हाँ मेरी दीदी है इतनी खास। वैशाली उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बस अब मुझे ज्यादा मक्खन मत लगाओ। वैशाली की माँ उनके लिए चाय और पकौड़े लेकर आती है, ये लो अब चाय पी लो। पकौड़ों पर नजर डालते हुए रुद्र ने निर्मला से कहा, आंटी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये कहते हुए वो एक पकौड़ा मुंह में डाल लेता है। वाओ डिलिशियस, आपके हाथों में तो कमाल का जादू है। निर्मला उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी रवि को एक बात याद आई और उसने वैशाली से कहा, दीदी मेरा स्विमिंग स्टेट लेवल चैंपियनशिप अगले मंथ है। वैशाली उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम बस तैयारी करो और किसी और चीज की चिंता मत करो। उनकी बात सुनकर रुद्र अचानक से बीच में बोल पड़ा, ओ क्या तुम स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। रवि थोड़ा मायूस होते हुए बोला, लेकिन ये मुकाबला काफी कठिन होने वाला है। रुद्र ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, क्या तुम इसके लिए कोई ट्रेनिंग ले रहे हो। रवि ने फिर से मायूस होकर ना में अपना सिर हिला दिया। रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरी कंपनी की एक ब्रांच है जिसमें हम अलग अलग ट्रेनिंग्स देते हैं और जो ट्रेनर्स होते हैं वो बहुत ही काबिल होते हैं, उसमें स्विमिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है, अगर तुम चाहो तो तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। रुद्र की बात सुनकर रवि काफी उत्सुक हो जाता है। उसने पूछा, क्या नाम है आपके ब्रांच का। ओबरॉय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्लब, रुद्र ने कहा। रवि की आंखें ये सुनकर चौड़ी हो गईं। उसने कहा, क्या आप ओबरॉय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्लब। वो हकलाते हुए कहता है, ये तो देश का सबसे महंगा और कमाल का ट्रेनिंग क्लब है, और आधे से ज्यादा बच्चे जो नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियंस होते हैं वो इसी क्लब से ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा भी है। इसकी एक महीने की कीमत ही कई लाख रुपए है जो कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इस जगह पर सिर्फ वीवीआईपी लोग ही अपने बच्चों को भेज सकते हैं। हाँ सही कहा तुमने, रुद्र ने कहा। रवि ने रुद्र से बड़ी उत्सुकता से दोबारा से पूछा, क्या आप वहां काम करते हैं। वैशाली को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बस एक बार रवि का मुंह बंद कर दे। उसे इस वक्त रवि के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका ये छोटा भाई कुछ भी बोलने से पहले सोचता क्यों नहीं था। रुद्र थोड़ा मुस्कुराया और रवि की बात का जवाब देते हुए बोला, वो मेरी कंपनी की छोटी सी ब्रांच है। रवि ने हैरान होकर पूछा, आपकी कंपनी, इसका मतलब आप ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। रुद्र ने हां में अपना सिर हिलाया। उसकी बात सुनकर निर्मला और रवि दोनों हैरान थे। उन्होंने एक साथ वैशाली की तरफ देखा। वैशाली समझ गई कि वो दोनों उसको क्या पूछना चाहते हैं। वैशाली ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो हम दोनों पार्टी में मिले थे और फिर इन्होंने आज मेरी हेल्प की। उन्हें इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर रुद्र बोला, क्या मेरा सीईओ होना इतना बुरा है। निर्मला ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। रुद्र ने फिर रवि की तरफ देखा और पूछा, तो फिर तुमने क्या सोचा है। रवि ने वैशाली की तरफ देखा और फिर रुद्र की तरफ देखकर कहा, नहीं मैं अभी आपकी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकता। वो जानता था कि उनका खर्च अब उसकी दीदी को उठाना है और वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। रुद्र को तुरंत भनक लग गई कि आखिर बात क्या हो सकती है। उसने कहा, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे दोस्त के भाई हो, मैं तुमसे पैसे क्यों लूंगा। वैशाली ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा,
नहीं मैम, आपसे इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती। अचानक से वैशाली को अपने दिल में चुभन महसूस हुई। वो अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती थी। रुद्र के बहुत बोलने के बाद भी वैशाली इस बात के लिए नहीं मानी और अंत में रुद्र को वैशाली के आगे झुकना ही पड़ा। रुद्र ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम बहुत जिद्दी हो सच में। लेकिन आज उसके मन में वैशाली के लिए और भी इज्जत बढ़ गई थी। तभी रुद्र का फोन बजा। दूसरी तरफ से फोन करने वाले ने कहा, सर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आपको अभी कंपनी आना पड़ेगा। ठीक है मैं आता हूं, रुद्र ने कहा और फोन काट दिया। रुद्र एकदम से खड़े होकर बोला, अब मुझे जाना होगा, मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। नहीं बेटा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम दोबारा जरूर आना, वैशाली की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। वैशाली रुद्र को बाहर तक छोड़ने आई। रुद्र ने अपनी कार में बैठते हुए कहा, मैं दोबारा आऊंगा पकौड़े खाने। हाँ जरूर, वैशाली ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जब वैशाली अंदर जाने लगी तो उसे ऐसा लगा जैसे अभी उसके घर की खिड़की के पास से कोई बाउंड्री कूद कर बाहर गया हो, लेकिन उसने इस चीज को अपना वहम समझा और वो अंदर आ गई। अपने विला में बड़े से सोफे पर अक्षत बैठा हुआ था, उसके साइड वाले सोफे पर अभिनव बैठा था और उसके सामने एक काले रंग के कपड़े पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ था। अक्षत ने उस आदमी से कहा, शुरू करो। देखने में वो आदमी एक प्रोफेशनल जासूस सा लग रहा था। उस आदमी ने वैशाली के घर में जो भी हुआ वो सब अक्षत को बता दिया। अक्षत की आंखें अब भयानक लग रही थीं। पूरी बात सुनने के बाद अक्षत ने उस आदमी को वहां से जाने का इशारा किया। अभिनव जो सारी बातें सुनकर मूर्ति बन चुका था वो अचानक से बोल पड़ा, भाई आपने वैशाली के घर जासूस भेजा था, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आपको देखकर अब मुझे ये लगता है कि आप वैशाली के प्यार में मैड हो चुके हो। अक्षत ने अभिनव की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए उसे जवाब दिया, हमारा अभी तक कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्लब क्यों नहीं है? अभिनव हैरान होकर अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, इसमें भी मेरी गलती है क्या? अक्षत ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, अभी के अभी किसी को बोलकर सबको इन्फॉर्म कर दो कि हम देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्लब खोलेंगे और जो भी हमारी कंपनी में काम करते हैं उनके परिवार के मेंबर्स के लिए इसमें सब कुछ फ्री होगा। अभिनव अपने भाई की बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है, भाई आप इस मामले में सीरियस हैं? अक्षत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे कहा, और हाँ इसमें जो भी कोच होंगे वो सब इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अभिनव को अब रुद्र के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से उसके भाई ने उसे एक्स्ट्रा काम दे दिया था। अभिनव मन ही मन बोला, आखिर उस रुद्र को जरूरत क्या थी वैशाली के घर जाने की, अब इसका अंजाम मुझे भुगतना होगा। अभिनव एक जोरदार लात टेबल पर मारता है और दोबारा से बड़बड़ाया, रुद्र उबराए मैं अब तुम्हें पकौड़े खिलाता हूं। अगले दिन अक्षत जल्दी ऑफिस चला गया। अभिनव ने पहले ही सारे इंतजाम कर लिए थे। सारे ऑफिस में जल्दी ही ये खबर फैल गई कि जिंदल अब स्पोर्ट्स के लिए देश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग क्लब खोलने वाला है और कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज की फैमिली के लिए वहां की ट्रेनिंग फ्री होगी। इस बात से सभी बहुत ज्यादा खुश थे। वैशाली जब ऑफिस आई तो उसको ये बात अभिनव से पता लगी। अभिनव ने उससे अनजान बनते हुए पूछा, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई है जो इसमें ट्रेनिंग लेना चाहता हो? वैशाली को रवि की याद आई और उसने तुरंत कहा, मेरा छोटा भाई स्विमिंग स्टेट लेवल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है, क्या वो इसमें भाग ले सकता है? अभिनव हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, ये सब उसके लिए हो रहा है। क्या कहा आपने? वैशाली को उसकी बात सुनाई नहीं दी तो उसने पूछा, हाँ बिल्कुल तुम्हारा भाई वहां जरूर आ सकता है, जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, अभिनव ने कहा। वैशाली काफी खुश लग रही थी, उसने मन ही मन सोचा, रवि की बात सुनकर काफी खुश होगा।
वो पहले अक्षत की वजह से ये जॉब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आजकल अक्षत से वो मिल नहीं पा रही थी, इसीलिए वो काफी रिलैक्स भी थी। और उसको ये अच्छे से पता था कि कोई और कंपनी जिंदल्स के मुकाबले उसको इतनी फैसिलिटीज नहीं देगी जितनी कि जिंदल्स अपने एम्प्लॉयज को देती है। अक्षत अपने कैबिन में बैठा था, तभी उसके कानों में एक सुंदर आवाज आई। मे आई कम इन सर? यस प्लीज, अक्षत ने जवाब दिया। वैशाली कॉफी का कप लेकर अंदर आई और उसने कॉफी टेबल पर रख दी और फिर अक्षत से बोली, ये रही आपकी कॉफी। अक्षत उसको बस देखे जा रहा था। वैशाली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसको ऐसे देख क्यों रहा है। अक्षत ने पहले कॉफी को देखा और फिर वैशाली को, और फिर उसने कड़क लहजे में कहा, मुझे पकौड़े खाने हैं। क्या मोड़ लेगी अक्षत और वैशाली की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अक्षत की बात सुनकर वैशाली शॉक्ड हो गई। उसने धीरे से कहा, पकौड़े खाने, वो भी कॉफी के साथ? इनका टेस्ट कुछ अजीब है। उसको इस तरह खुद में खोए हुए देखकर अक्षत ने उससे कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या कहा? मैंने कहा मुझे पकौड़े खाने हैं। वैशाली ने उसको अजीब नजरों से देखते हुए कहा, मैं आपके लिए पकौड़े कहां से लेकर आऊं? अक्षत ने कॉफी का कप उठाते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो बहुत शौक है पराए मर्दों को पकौड़े खिलाने का, अब क्या हुआ? वैशाली को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि अक्षत पागल हो गया है। उसने अक्षत से थोड़ा गुस्से में कहा, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पकौड़े, पराया मर्द। अक्षत ने कॉफी का एक घूंट भरा और कहा, छोड़ो ये सब, अभी फिलहाल ये ध्यान रखो कि अगले हफ्ते मिस्टर मेहरा आ रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट देखने। अगर उनको ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो वो हमारी राइवल कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे देंगे। फिर उसने वैशाली को शक भरी निगाहों से देखा और कहा, क्या इसके लिए तुम तैयार हो या बस आजकल पकौड़े तल रही हो? उसकी बातें वैशाली को किसी तीर से कम नहीं लग रही थी। आखिर ये इंसान क्या बातें कर रहा था? अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अक्षत उसे किसी चीज के लिए ताना मार रहा था। उसने अक्षत को थोड़ा गुस्से में कहा, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर 100% कॉन्फिडेंट हूं, इसलिए आप इसकी चिंता मत कीजिए। अक्षत उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट देखकर धीरे से मुस्कुरा देता है। उसको इसी अदा से तो वैशाली से प्यार हुआ था। अक्षत को मुस्कुराते हुए देखकर वैशाली को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अक्षत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसने अपना हाथ उठाकर उसे वहां से जाने का इशारा किया और खुद काम में लग गया। वैशाली को आज अक्षत का बर्ताव बहुत अजीब लगा था। वो पैर पटकती हुई वहां से निकल गई और उसने अभिनव से जाकर पूछा, आपके भाई ने आज कुछ गलत खा लिया है क्या? उसकी बात सुनकर अभिनव पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उसने कुछ याद किया और कहा, आज तो मैंने जापान से एक स्पेशल डिश मंगवाई थी, हम दोनों ने वही खाई है। वैशाली उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहती है, जापान से मंगवाई थी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन था, इसलिए मैंने वहां से स्पेशल ऑर्डर किया था। वैशाली ने हैरान होकर उस आदमी को देखा जो उसके सामने खड़ा था और कहा, अगर आपको किसी दिन चांद से मिलने का मन करेगा तो क्या आप रॉकेट लेकर उड़ जाएंगे? अभिनव उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम बहुत फनी हो वैशाली। उन दोनों की इसी नोकझोंक में काम करते हुए उनका दिन कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं लगा। घर जाने से पहले वैशाली को अक्षत से डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे, लेकिन अक्षत के स्वभाव वाले बिहेवियर को देखकर वैशाली उसके पास जाने से डर रही थी। अक्षत के कैबिन के बाहर खड़े होकर उसने गहरी सांस ली, लेकिन जैसी वो अंदर जाने वाली थी किसी ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। वैशाली ने देखा तो सामने नीरज खड़ा हुआ था। वैशाली ने जल्दी से कहा, क्या अक्षत सर अंदर है? मुझे उनके साइन चाहिए। वो इस वक्त एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप उनका वेट कर सकती हैं, वो आते ही होंगे।
ये कहकर नीरज वहां से निकल गया और वैशाली अंदर आ गई। वो जाकर अक्षत की चेयर के सामने बैठ गई और अक्षत के आने का वेट करने लगी। वो काफी सुस्त लग रही थी क्योंकि आज उसने काफी काम किया जिसकी वजह से उसे बहुत नींद आने लगी। उसी वक्त कैबिन का दरवाजा खुला और एक लंबा आदमी चलकर आया। वैशाली को एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो लगभग आधी नींद में जा चुकी थी। उस आदमी ने जब वैशाली को वहां इस तरह से नींद में देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो आदमी धीरे से चलकर उसके पास आया और जैसी वैशाली नीचे गिरने को हुई, उस आदमी की लंबी बाजुओं ने वैशाली को थाम लिया। उसने वैशाली को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन जैसे वो वैशाली को लिए पीछे मुड़ा, उसकी नजरें अक्षत से टकरा गईं। अक्षत की आंखों में खून उतर आया था। उसकी नजर बस उस आदमी की गोद में सोई हुई वैशाली पर थी, जो किसी प्यारी पपी की तरह लग रही थी। रुद्र ने पहले वैशाली को देखा और फिर अक्षत को। वो बोला, शायद इसने आज कुछ ज्यादा काम कर लिया इसलिए सो गई है। अक्षत ने एक नजर रुद्र को देखा और फिर वैशाली को। ये लड़की कितने आराम से किसी और की बाहों में सो रही है, बेशर्म कहीं की। उसके बाद वो रुद्र की तरफ बढ़ा और उसने एक भी पल गवाए बिना वैशाली को जल्दी से उससे ले लिया। अरे ये तुम, रुद्र इतना ही बोल पाया था कि अक्षत ने कहा, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी चीज को हाथ लगाए। ये कहकर अक्षत वहां से निकल गया। वो सीधा वहां मौजूद अपने रूम में गया और वैशाली को अपने मास्टर बेड पर सुला दिया। 2 मिनट तक उसे घूरने के बाद वो मन ही मन बोला, क्या बेवकूफ लड़की है, एक पराए मर्द ने इसको अभी बाहों में उठाया हुआ था और इसको भनक भी नहीं लगी। उधर रुद्र ने अपना सर खुजलाया और कहा, ये अक्षत अभी अभी क्या बकवास करके गया है, ये लड़का सच में मेरी समझ के बाहर है। उतने में ही रुद्र का फोन बजा। रुद्र ने कहा, हेलो अभी कहां है तू? अरे मैं बाहर तेरा वेट कर रहा हूं, अभिनव बोला। ठीक है मैं आता हूं, ये कहकर उसने फोन काट दिया और वहां से निकल गया। अक्षत ने वैशाली को एक ब्लैंकेट से कवर किया। इतने में ही दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अक्षत ने दरवाजा खोला और कपिल से अपने कपड़ों का बैग लेकर झट से दरवाजा बंद कर दिया। कपिल को अंदर झांकने का एक भी मौका नहीं मिला। निराश कपिल दबे पांव वहां से निकल गया। अक्षत शावर लेने बाथरूम में चला गया। जब वो नहाकर बाहर आया तो उसे किसी के फोन की रिंग सुनाई दी। वो उसके फोन की रिंग तो नहीं थी। उसने आसपास देखा लेकिन फोन रूम में नहीं था, इसलिए वो बाहर अपने कैबिन में आया और अपने टेबल से वैशाली का फोन उठाकर देखा। उसने जब स्क्रीन पर मॉम फ्लैश होते हुए देखा तो उसने फोन को काट कर एक मैसेज टाइप किया, मैं ओवरटाइम कर रही हूँ इसलिए आने में लेट हो जाएगा और हो सकता है सुबह ही आऊं, इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा और खाना खाकर सो जाइएगा। उधर जब रवि ने अपनी माँ को वो मैसेज पढ़कर सुनाया तो उसकी माँ को राहत मिली, लेकिन फिर वो गुस्से से बोली, क्या हो गया इस लड़की को, एक बार फोन करके बता भी तो सकती थी। अक्षत वैशाली का फोन लिए अंदर आया और उसका फोन टेबल पर रखकर उसके पास बेड पर बैठ गया। वैशाली सच में इस वक्त गहरी नींद में थी। अक्षत उसको घूरता रहा, अपनी तरफ से वो उसे प्यार से देख रहा था, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान उसे इस तरह से देख ले तो वो नहीं बता पाएगा कि अक्षत का ये प्यार वाला घूरना है। वैशाली ने उसी वक्त करवट बदली और एकदम से अक्षत का हाथ पकड़ लिया। उसने अक्षत के हाथ को अपने सीने से लगाया और नींद में बोली, कितनी मुसीबतें हैं, ये कब खत्म होंगी। अक्षत उसे अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देख रहा था। उसकी बात सुनकर उसका दिल पसीज गया। वो नीचे झुका और वैशाली के चेहरे से बाल हटाकर उसके लिप्स को हल्का सा अपने लिप्स से टच किया। उसने ये बहुत धीरे किया था ताकि वैशाली की नींद न खुल जाए। उसके बाद उसने उसके माथे पर भी सेम यही प्रोसीजर दोहराया और फिर उसके पूरे चेहरे पर। अब वो अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। वैशाली की स्किन किसी बेबी की स्किन जैसी सॉफ्ट और मुलायम थी। वैशाली को अब नींद में ये महसूस हो रहा था जैसे उसके साथ कुछ गलत हो रहा था। उसने ना चाहते हुए भी धीरे से अपनी आंखें खोली। क्या होगा आगे,
वैशाली कैसे रिएक्ट करेगी अक्षत को खुद के पास देखकर? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।